ये किधर गए? तू उधर कहाँ घुसता है यार? चल, हम लोग खूनी नहीं है, हमने किसी का खून नहीं किया है। तुम तो जानती हो शालू, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हम ही एक दूसरे के रोते हैं तो भी एक दूसरे के आंसू पहुंचते हैं। हम दोनों एक दूसरे के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हमने किसी का खून नहीं किया, मगर वैशाली समझता है कि उसके भाई की हत्या हमने की है। मैं जानता हूँ भैया की हत्या आप लोगों ने नहीं की। उस दिन जज्बात में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या बोल गया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तू तो बोल गया, लेकिन हमारे सीने पर तो हथौड़े पड़ गए ना, और ऊपर से पुलिस भी पीछे पड़ी हुई है। कब किसी की गोली लग जाए, पुलिस की या मुजरिम की? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आप जैसे बेगुनाह इंसानों को सजा की सूली पर कभी नहीं लटकने दूंगा। साला अपन भी तुम लोग के साथ है, साला ऑटो रिक्शा बंद कर देगा लेकिन असली कातिल का पता लगाएगा। तुम लोग रोता काहे को है? नहीं रोना, तू जाके ब्रेड लेके आ, अपन ऑमलेट बनाता है तुम लोग के लिए, फर्स्ट क्लास आता है अभी। ये लोग क्या क्या बोले, घबराहट मेरे कुछ समझ में नहीं है। मैं जाके दुकान देख कर आऊं? पागल हो गया, अगर पुलिस ने कही तो पुलिस आ गई। देखो कैसे वहां देखो, दिखता है क्या? अरे सुनाई तो देता है, पुलिस का हॉर्न बज रहा है। अरे यही कहीं छुपे होंगे। आई अंदर इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ मैं। यहाँ मुजरिम जहाँ घुर पड़े वहाँ। मुजरिम कौन? मुजरिम? हाँ मुजरिम हमेशा निशान छोड़ जाता है। ओ ऑमलेट खाएंगे? हाँ क्यों नहीं जरूर खाऊंगा, मैं तो ऑमलेट का शौकीन हूँ। लेकिन यहाँ एक शैम्पू की बोतल तो नहीं है? एक शैम्पू? हाँ जहाँ एक शैम्पू होता है ना, वहाँ ऑमलेट बनाने में हमेशा गलती हो जाती है। मैं एक शैम्पू नहीं यूज करती। हाँ तुम्हारा पति हमेशा सुखी रहेगा। यहाँ अंधे बहरे आए हुए? अंधे बहरे? कौन अंधे बहरे? कौन अंधे बहरे? कौन अंधे बहरे यार? अच्छा वही जिन्होंने तुम्हारे लवर के भाई का खून किया और ड्रामा करके जेल से फरार हो गए, वही। अरे वो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ क्यों आएंगे? हाँ फिर इतने सारे आमलेट किस लिए बनवाए? पड़ोसियों के लिए? आप लोगों के लिए। अच्छा तुमको क्या सपना गिरा था क्या कि मैं यहाँ पुलिस की बारात लेकर आ रहा हूँ? अरे ऑमलेट खा रहे हो, रख दो ऑमलेट, रख दो, जाओ उन अंधे भाइयों को ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जाओ। अंदर तो नहीं है, ऊपर भी नहीं है, लगता है इस खटिए के नीचे होगा। कोई मिला? मुझे कहां से मिलेगा? यो अंधे हो अब पता चला। आई जी सर। क्या करता है यार? सर पूरी एक कमरे में दो दो आईडी सर सर। बात दरअसल ये है कि जहां हीरो की डकैती हुई थी वहां का आईजी मैं हूँ। और बात दरअसल ये है कि जहां हीरो की डकैती होने वाली वहां का मैं, नहीं नहीं मतलब यहां का मैं। बात समझ नहीं आई क्योंकि वो घोरपड़े साहब तो बाहर खड़े हुए हैं सर। हो ढिलाओ समझ में नहीं आ रहा है सर, घोरपड़े साहब बाहर खड़े हुए हैं सर। आहिस्ता बोल, बह रहा हूँ क्या? हमें घोरपड़े की समझदारी पर शक है। मुझे भी शक है। हाँ? मुझे भी शक है। हाँ शक है, हाँ इसीलिए उन पर नजर रखने और मैं उनकी हरकतों को सुनने आया हूँ। तुम्हारा जो घोरपड़े है वो असल में कांदाला हाथ रखना है। इंस्पेक्टर नहीं गधा है। गधा है इसीलिए हम लोग देखने आए कि वो मुजरिमों के पीछे बराबर जाता है कि नहीं, यकीन करने आए। सर आपको एक काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमें मत समझाओ कि हमें क्या करना चाहिए था। ऐसा करो तुम इस कमरे का ध्यान रखो। हाँ ऐसा करो तुम इस कमरे का कोना कोना छान मारो और घोरपड़े को पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ है। ओके सर। ओके सर। आइए क्या समझ में आया? ओके सर बोलो। ओके सर बोला, सुनाई नहीं दिया? गधा है, गधा है। अरे क्या हो गया सर? वो आप सर आप, अरे आप क्या कर रहे हो? मैं क्या गधा लगता हूँ क्या? नहीं 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 सर, आप बोले आप गधे हो क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। यहाँ अंधे बहरे तो नहीं है ना? नहीं सर नहीं है, कोई नहीं है, पूरा घर देख लिया, कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है सर। चलो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ऑमलेट बहुत अच्छा था,
अरे दीवारे दीवार का है मेरा नसीब, आज मेरा नवरा इतनी जल्दी घर आ गया। चलो खाना खाओ, खाओ। मैं खाना खाने नहीं आया हूँ। आराम करने आया हूँ। हाँ तो आराम कर लेना ना, पर बाद में है? पहले खाना तो खा लो। ये क्या है? ये मेरा प्रेम है। ये प्रेम इतना लंबा है? प्रेम तो लंबा छोटा है ना। ये प्रेम नहीं है, ये पूरा तुम्हारा बाल है। हाँ मेरा बाल है, शादी से पहले तो मेरा बाल बहुत पसंद था। कितना अच्छा है तेरा बाल। पहले पसंद था, बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। हाँ? बाल बाल। अच्छा चलो छोड़ो, अब तुम जल्दी से खाना खा लो। मेरे को तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने का है, अंडा लाने का है, एक शैम्पू लाने का है। माय गॉड, फिर से एक शैम्पू ऑमलेट। सुनिए डॉक्टर साहब, मेरे बाबा की रिपोर्ट मिल गई। आपके पिताजी के हार्ट का वाल्व खराब हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन हो जाना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। मुन्नी मत रो बेटा, मत रो। दीदी क्या हुआ बाबा को? बाबा को तो कुछ नहीं हुआ बेटा, लगता है हमारी किस्मत को ही कुछ हो गया है। दीदी बाबा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा ठीक हो जाएंगे, तू रो मत, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। देख मैं रो रही हूँ क्या? मुसीबतों का सामना हिम्मत से करना चाहिए, आंसुओं से नहीं। विशाल को तो हमने समझा दिया, मगर अब कानून को कौन समझाएगा कि हम लोग खून ही नहीं, हमने खून नहीं किया है। दुख की चिंता क्यों? पुलिस को कैसे समझाएंगे कि हम लोगों ने कुछ भी तो। अरे कुछ भी बदल गई, आदमी लगता बदल गया। अरे छोड़ना, अरे छोड़, पिता मर मेरा मर। भूख लगी तो होटल में जाके खाना खाना, मेरा पेन क्यों निकालता है? नीलांबर क्या हो रहा है यार? नीलांबर उबड़ खाबड़ जमीन। अरे क्या करता? क्या था? ऐसा था कि तू था हो जाता, गायब हो जाता। अरे खाई उतर। क्या बात है तेरे पेन में कि सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है? अरे हाँ क्या सारी दुनिया तेरे पेन के पीछे क्यों पड़ी है? ओ पेन मालूम नहीं यार, करोड़ों रुपए का थोड़ी है, 3 रुपए में लिया था। सब लोग मेरे पेन का पेन, ये पेन नरम क्यों हो गया? क्या कर रहा है मीन ना के, पेन थोड़ी है। अच्छा ला दिखा, दिखा पेन इधर है, दिखा ना निकाल। आओ ये एक मिनट, क्या 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 कर रहा है? क्या क्या देख क्या रहा है तू? पकड़ पकड़। ये क्या है? अरे पेन में कागज, कागज खोल के दिखा, खोल के देख कुछ लिखा है। अरे इसमें लिखा है क्या? हीरे रिक्शा नंबर 901 में। तो सारी मारा मारी पेन के लिए नहीं, हीरो के लिए हो रही है। मुझे याद आ रहा है पिताम्बर, एक मरतबा विशाल का भाई अपने डिपार्टमेंट स्टोर में आया था ना, तो उसके गले में ऐसी पेन लटक रहा था। ओ तो कातिल मनीष के पीछे होंगे, मनीष हमारी दुकान में आया था, उसने अपना पेन वहां रख दिया होगा और तुम्हारा पेन उठाकर ले गया होगा। अब तो स्टोरी सारी समझ में आ रही है। जब भी वो इस पेन के जरिए वो लोग हीरो तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए हमारी गर्दन काटना चाहते हैं हरामखोर। नीलांबर हमारा फर्ज है मनीष के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। हाँ और अपना 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 गला फांसी के फंदे से बचाएं। गला कैसे बचाएंगे, मगर पहले तो हीरे ढूंढना चाहिए और उसके बाद कानून के हवाले करना चाहिए ना। और उससे पहले हमें रिक्शा नंबर 901 ढूंढना पड़ेगा। रिक्शा नंबर 901 कहाँ से ढूंढेंगे, पता कहाँ से मिलेगा? मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? वो शालू के रिक्शा का नंबर क्या है? रिक्शा का 901। क्या करता है? अरे
हमेशा गलत जगह घुसता है। चल चालू। कौन है आप लोग? मैं पीताम्बर। मैं नीलाम्बर। अंकल शालू का रिक्शा कहाँ है? रिक्शा तो दीदी ने बेच दिया। रिक्शा तो दीदी ने बेच दिया। बेच दिया?